ट्यूबलाइट कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, पोलैंड के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू पोलैंड, आप कैसे भारत से पोलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे, आज उस विषय में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू पोलैंड एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम पोलैंड, आप कैसे भारत से पोलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे और पोलैंड से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स आपको बताऊंगा, ताकि आपको इजी हो जाएगा। आप इंडिया से इजीली आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट पोलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आइए वीडियो में शुरू करता हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू पोलैंड एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम पोलैंड। सो पोलैंड एक देश है, यूरोपियन यूनियन में लोकेटेड है, एक यूरोपियन देश है। 2004 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन में जोड़ दिया था और आज एक पोलैंड एक यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है सिंस 2004। 2004 पहला पोलैंड एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री माना जाता था और पोलैंड का जो राजधानी है वार्सो है। पोलैंड का जो पॉपुलेशन है करीब 3,80,00,000 का पॉपुलेशन है और वहाँ पर इंडियन का पॉपुलेशन है करीब 15,000 इंडियंस वहाँ रहते हैं। पोलैंड का लैंग्वेज जो पोलिश लैंग्वेज कहा जाता है, वहाँ का जो लोकल लोग है यानी पोलिश लोगों को भी पोलिश कहा जाता है और उनका जो लैंग्वेज है पोलिश लैंग्वेज में बात करते रहते हैं। और पोलैंड का जो लोकेशन है मैं आपको बताऊंगा मैप में, पोलैंड कहाँ पर लोकेटेड है आप देख लीजिए मैप में, वेयर इज लोकेटेड पोलैंड। सो पोलैंड का जो नॉर्थ पार्ट में है लिथुआनिया, साउथ में है स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, वेस्टर्न पार्ट में है जर्मनी, ईस्टर्न पार्ट में है बेलारूस और यूक्रेन। ठीक है, आप देख लीजिए पोलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। सो पोलैंड पहला एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री था और काफी सारे वार झला था रशिया के साथ, जर्मनी के साथ। और पोलैंड 1988 से पहले एक कम्युनिस्ट कंट्री था पोलैंड, और पोलैंड का इकोनॉमी काफ़ी गिर चुका था। और 1988 के बाद पोलैंड का जो गवर्नमेंट चेंज हुआ और 2004 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन किया। 1988 के बाद पोलैंड जब उनका जो कम्युनिस्ट से लिबरलाइज कंट्री बना, एक मॉडर्न कंट्री बनते गया, तो तभी से पोलैंड काफ़ी सारे उनका जो इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करने लगा, जैसे कि उनका एग्रीकल्चर के ऊपर उनका काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज मॉडर्न करने लगा। और पोलैंड का जो पोलिश लोग यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, डेवलपिंग कंट्री में जाके काम करने लगे, क्योंकि 1988 से पहले पोलैंड का जो कम्युनिस्ट कंट्री था, पोलैंड में काफ़ी सारे मुश्किलें था, नौकरी नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, नौकरी नहीं थी, कंपनीज बंद हो गई थी, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी, इसलिए वहाँ नौकरी का प्रॉब्लम था। बहुत सारे प्रॉब्लम होने के कारण से 1988 से पहले पोलैंड के लोग डेवलप कंट्री लाइक अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में काम करने लगे थे। और 1988 से लेकर 2004 और 2004 के बाद धीरे धीरे पोलैंड का जो डायस्पोरा, पोलैंड के जो लोग जो बाहर काम करते थे, धीरे धीरे पैसा कमा के पोलैंड को रिटर्न आने लगे। और 2004 से अभी तक 2004 से लेकर 2021 तक पोलैंड में वो काफ़ी सारे इन्वेस्ट करने लगे, पोलैंड का एग्रीकल्चर के ऊपर, पोलैंड का एग्रीकल्चर मार्केट, पोलैंड का इंडस्ट्रीज के ऊपर, पोलैंड का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, पोलैंड का टूरिज्म सेक्टर में, और जो पोलैंड का जो डायस्पोरा, पोलैंड का जो लोग बाहर काम करते थे, इन्वेस्ट करने लगे। और पोलैंड 2004 से लेकर अब तक काफ़ी चेंज हो गया है और पोलैंड आज यूरोपियन यूनियन का सिक्स लार्जेस्ट बड़ा कंट्री है इन इकोनॉमी वाइज, और यूरोपियन यूनियन का सिक्स लार्जेस्ट कंट्री है इन इन्वेस्टमेंट। एंड पोलैंड आज यूरोपियन यूनियन का टाइगर कहा जाता है, जैसे कि हम एशिया में ताइवान, सिंगापुर जो कंट्रीज को एशियन टाइगर कहते हैं, ताइवान, सिंगापुर को, वैसे ही आज पोलैंड यूरोपियन यूनियन का एक टाइगर है इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से पोलैंड आगे बढ़ते जा रहा है।
पोलैंड का जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उनका काफी सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, काफी सारे इंडस्ट्री खोला है और काफी सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि मशीनरीज, कार्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पोलैंड वर्ल्ड वाइड और यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते आ रहा है। सो पोलैंड का डिटेल्स मैं आपको बता दिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोलैंड का यूरोप, पोलैंड का जो लोकेशन आपको बता दिया, तो पोलैंड का जो पोर्ट के बारे में, पोलैंड का एयरपोर्ट के बारे में, पोलैंड क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया का एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट पोलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है और आपको कैसे पोलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस बारे में आपको बताऊंगा। सो पोलैंड का जो करेंसी है, पोलैंडियन ज्लोटी, पोलिश ज्लोटी कहा जाता है, पोलिश ज्लोटी, क्योंकि पोलैंड 2004 में जब यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था उससे पहले उनका जो करेंसी था पोलिश ज्लोटी कहा जाता था। सो 2004 के बाद अभी तक पोलैंड अपना खुद का करेंसी यूज कर रहा है पोलिश ज्लोटी, और यूरोपियन यूनियन का यानी यूरो भी वहाँ चलता है। तो एक पोलैंड का जो पोलिश करेंसी, पोलैंड का करेंसी पोलिश ज्लोटी इंडिया का करीब 19 रुपया यानी 19 रुपीज आज के तारीख में मिलता है। ठीक है, पोलैंड का इकोनॉमिक आज एक फ्री मार्केट है, लिबरलाइज कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है और एक बड़ा मार्केट बनते जा रहा है इन यूरोपियन यूनियन, और काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पोलैंड जैसा कि हो गया फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन को पोलैंड एक्सपोर्ट करते जा रहा है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है और बहुत सारे प्रोडक्ट पोलैंड काफ़ी सारे कंट्रीज को, बहुत सारे कंट्रीज को और यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते जा रहा है। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोलैंड क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है और इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट पोलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा पोलैंड का जो सी पोर्ट्स के बारे में और एयरपोर्ट्स के बारे में और कैसे आप इंडिया टू पोलैंड एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्या रूट है उस बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको बता दिया पोलैंड का लोकेशन इन यूरोपियन यूनियन में है, यूरोप में लोकेटेड है, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, तो आप रेलवेज या रोडवेज में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी रोड या एयरपोर्ट, एयर रोड या एयर कार्गो के ऊपर, एयर रोड के ऊपर या सी कार्गो या सी रोड के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो अभी आपको बताऊंगा पोलैंड का कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। आइए मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कितने सारे सी पोर्ट्स है इन पोलैंड। तो देख लीजिए आप कितने सारे सी पोर्ट्स है पोलैंड का और कितने सारे एयरपोर्ट्स है पोलैंड का। ये पोलिश लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ पोलैंड आपको मैं दिखा रहा हूं। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि पोलैंड क्या क्या प्रोडक्ट, द टॉप प्रोडक्ट पोलैंड एक्सपोर्ट्स एंड द टॉप प्रोडक्ट पोलैंड इंपोर्ट्स। उसके बाद मैं बताऊंगा इंडिया का एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट पोलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल मैं बताऊंगा द टॉप प्रोडक्ट पोलैंड एक्सपोर्ट्स। आप स्क्रीन में देखिए, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दूंगा। तो पोलैंड एक्सपोर्ट्स है व्हीकल पार्ट्स, कार्स, सीट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम, वीडियो डिस्प्लेस, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, पैसेंजर एंड कार्गो शिप्स, रिफाइंड कफो, बहुत सारे प्रोडक्ट, कोक है, आयरन स्ट्रक्चर, डिलीवरी ट्रक्स, टॉयलेट पेपर, टेलीफोन इंजन पार्ट्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, डायरी प्रोडक्ट, डोर्स विंडोज, फर्नीचर। ये हो गया जो पोलैंड का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है पोलैंड, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ग्रो करता है और वर्ल्ड वाइड और यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैंने पोलैंड क्या क्या प्रोडक्ट, टॉप प्रोडक्ट पोलैंड इम्पोर्ट करता है। टॉप प्रोडक्ट पोलैंड इम्पोर्ट्स है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम, कार्स, व्हीकल पार्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, पैकेज मेडिकामेंट्स, पिग मीट, नॉन फिले, फ्रेश मीट, आयरन प्रोडक्ट्स, व्हीकल पार्ट्स यानी ऑटो पार्ट्स, पैकेज मेडिकामेंट्स, कार्स, टेलीफोन, कंप्यूटर्स। ये उनका जो मेन
इंपोर्ट प्रोडक्ट है, पोलैंड कर रहा है। सो अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया, यानी इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स है, क्या क्या प्रोडक्ट पोलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन में, उसी हिसाब से आप तैयार हो जाइए इंडिया टू पोलैंड एक्सपोर्ट करने के लिए आपका प्रोडक्ट हो। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू पोलैंड। सो आर्टिकल्स ऑफ अपैरल, नीट और क्लोथ, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, फुटवेयर, पूरा देख लीजिए, ऑयल सीड्स है, अपैरल से गारमेंट्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, बेड लिनन यानी होम पॉलिशिंग, फर्निशिंग, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, राइस जा रहा है, ड्राइड वेजिटेबल, टी, कॉफी, स्पाइसेस वगैरह जा रहे हैं, टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल्स भी जा रहा है, आयरन एंड स्टील जा रहा है, गारमेंट टेक्सटाइल, पूरी लिस्ट का आप देख लीजिए, ट्राईसाइकल्स। तो इस हिसाब से मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ पोलैंड का क्या क्या इम्पोर्ट हो सकता है फ्रॉम इंडिया। सो जैसे आपको मैंने बता दिया पहला, पोलैंड में फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 15,000 इंडियंस रह रहे हैं, बस रहे हैं, काम कर रहे हैं और बसे हुए हैं। काफ़ी सारे जो इंडियंस है पोलैंड का सिटीजनशिप लेके वहाँ बसे हुए हैं। पोलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर भी इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पोलैंड में लिटिल इंडिया यानी इंडिया, आप अगर बहुत सारे कंट्री आप ट्रैवल करोगे, जैसे कि सिंगापुर है और पेरिस यानी फ्रांस और इंग्लैंड, बहुत सारे कंट्री जाओगे, तो इंडिया का एक लिटिल इंडिया एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर इंडियन कंपनीज, इंडियन शॉप्स, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन होटल्स वगैरह लोकेटेड है। ऐसे ही पोलैंड का जो वार्सो है वहाँ पर लिटिल इंडिया अभी बना हुआ है, यानी मेनी बहुत सारे इंडियंस लोग वहाँ जाके बसे हुए हैं। और पोलैंड अभी 2004 के बाद FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आग्रह दिया है, इसीलिए काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड कंपनीज, वर्ल्ड वाइड लोग जाके पोलैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए काफ़ी सारे इंडिया से लोग जाके पोलैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको पोलैंड में इन्वेस्ट करना है, पोलैंड में आपका खुद का कंपनी रजिस्टर करके इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके पोलैंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको इजीली पोलैंड में आप अपना खुद का कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके आप खुद रेसिडेंसी लेके वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पोलैंड क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट पोलैंड को एक्सपोर्ट करता है, मैं आपको डिटेल्स बता दिया। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक्सपोर्ट आप कैसे करोगे, कौन सा रूट से करोगे। जैसे आपको बता दिया कि रेलवेज में नहीं कर पाओगे, रेलवेज का रूट नहीं है, या रोडवेज में नहीं कर पाओगे, आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि सी रूट यानी सी कार्गो और एयर कार्गो के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, इसीलिए आपको सी रूट में सी पोर्ट्स दिखा दिया। पोलैंड में काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है और रिवर पोर्ट्स है और लेक पोर्ट्स है, वैसा ही काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स भी आपको दिखा दिया। और अगर आप सी कार्गो में भेजोगे तो आप एक वेबसाइट आपको हमेशा मैं बताता हूँ, cargoport.com में जाइए, cargoport.com में आप सर्च कर सकते हैं एनी सी पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू एनी सी पोर्ट्स ऑफ पोलैंड, आप सर्च कर सकते हैं और आपको कार्गो पोर्ट इमिडिएटली दिखा देगा कि कितने क्या प्राइस आएगा एयर कार सी कार्गो में, अगर आप पोलैंड एक्सपोर्ट कर पाओगे करोगे, यानी 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर का क्या कॉस्ट आएगा आपको दिखा देगा। काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का प्राइस उसमें इंक्लूडेड, जैसे कि आप yatra.com या makemytrip.com में आप सर्च करोगे टिकट का, एयर टिकट का, तो काफ़ी सारे एयरलाइंस का टिकट बताता है, प्राइस दिखाता है, वैसे ही cargoport ऐसे ही साइट है, आप जैसे ही सर्च करोगे तो बहुत सारे शिपिंग कंपनीज अपना प्राइस दिखा देंगे कि 20 फीट कंटेनर का क्या प्राइस रहेगा, 40 फीट कंटेनर का क्या प्राइस रहेगा, इसीलिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ cargoport.com एक अच्छा साइट है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं और कंटेनर भी ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं। और अगर cargoport आप नहीं चूज करना चाहते हो तो आप गूगल में जाइए, google.com में जाइए, google.in में जाइए, सर्च करिए द लिस्ट ऑफ सी कार्गो कंपनीज या द लिस्ट ऑफ सी शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पोलैंड वार्सो, आपको काफ़ी सारे कंपनीज, कार्गो हैंडलिंग कंपनीज दिखाई देगा, आप उनको ईमेल करके प्राइस बता चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप
को मैं सी कार्गो का डिटेल्स बता दिया। एयर कार्गो के लिए कितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू पोलैंड ऑपरेट कर रहे हैं मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पोलैंड आपको दिखा रहा हूँ। आप इस एयरलाइंस के कार्गो डिपार्टमेंट को लिखिए, कार्गो सेक्शन को लिखिए कि आप इंडिया टू पोलैंड बाई एयर कार्गो में आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्राइस क्या आएगा, कि वो एयरलाइंस के कार्गो डिपार्टमेंट्स आपको बता देंगे प्राइस क्या आएगा, ठीक है। या आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज, द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस, द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो हैंडलिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पोलैंड, तो आपको काफ़ी सारे एयरलाइंस, काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज डिटेल्स दिखाई देगा। आप उनको लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू पोलैंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाई एयर कार्गो, आपको प्राइस चाहिए, तो आपको 100 किलो, 50 किलो, 500 किलो, 1000 किलो का प्राइस वो बता देंगे। फिर आप इंडिया टू पोलैंड इजीली आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, इजीली आप एक्सपोर्ट कर पाओगे बाई एयर कार्गो या सी कार्गो, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे ऑर्डर मिलेगा पोलैंड से, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम पोलैंड, ठीक है। सो जैसे कि हमेशा ये एक्सपोर्टर को चिंता रहता है कि हमें कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। फिलहाल हमारा जो वीडियो है हम प्रमोट करते हैं कि जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में और आप फिलहाल पोलैंड ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आप ऑनलाइन में सर्च करके ऑनलाइन में कंपनी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको मैं हम बता रहे हैं। और बाकी जो बड़े एक्सपोर्टर्स हो आप भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। पोलैंड में अगर आप इंडिया में हो या कहीं भी आप लोकेटेड हो और ऑनलाइन में आप कंपनीज को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन में एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। पोलैंड में काफ़ी सारे बी टू बी ट्रेड पोर्टल साइट्स है, काफ़ी सारे येलो पेजेस है, काफ़ी सारे बी टू बिजनेस डायरेक्टरीज है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, बहुत सारे साइट है, कंपनी डाटाबेसेस है ऑनलाइन में, तो उन साइट का मैं डिटेल्स आपको स्क्रीन में बताऊंगा। आप हमारा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके पूरी साइट को आप आपका नोटबुक में या आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप लिख लीजिए, ताकि आप आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। आपको देख लीजिए फिलहाल द लिस्ट ऑफ बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ पोलैंड। तो पहला जो साइट दिखा रहा हूं मैं आपको पोलैंड एक्सपोर्ट डॉट कॉम है, beachpages.org, policebusinessdirectory.ca, कितने सारे मैं साइट दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए, काफी सारे साइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इतने सारे साइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट से आप पूरी साइट को लिस्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका कंप्यूटर में हर साइट को खोलना पड़ेगा, लॉगिन करके खोलना पड़ेगा हर साइट को, क्योंकि ये जो साइट है बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट से इन पोलैंड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर साइट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन करिए। ओपन करने के बाद इस हर साइट में अगर पोलिश लैंग्वेज में है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए आपका जो माउस में, आपका जो कंप्यूटर का माउस में, और आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बाद आप उस साइट में रजिस्टर हो जाइए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ट्रेडर और इंडियन इंडिविजुअल, जो भी हो आप रजिस्टर कर लीजिए और आपका कंपनी का डिटेल्स ऐड कर लीजिए, कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए फोटो के साथ, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ऐड कर लीजिए, आपका व्हाट्सएप, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो कंपनी डिटेल्स प्रोफाइल वगैरह ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जितने सारे साइट आपको मैं बता रहा हूँ, जितने सारे वेबसाइट, ये सब है वन ऑफ ए सर्च इंजिन इन पोलैंड एंड यूरोपियन यूनियन। आप जितने सारे साइट में आप रजिस्टर करोगे उतने आपको फायदा होगा, क्योंकि ये एक बैकअप है, बैकलिंक्स है। बैकलिंक्स का मतलब होता है आप जितने सारे वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड ऐड करके आपका कंपनी की लिस्ट करोगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब है, www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब में आपका कंपनी, आपका डिटेल्स दिखाई देगा सर्च इंजन में, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा मैं बताता हूँ हमारे हर एक वीडियो में, हम काफ़ी सारे सर्च के बाद, काफ़ी सारे रिसर्च के बाद आपको वेबसाइट दिखा रहे हैं ऑनलाइन में। आप हर वेबसाइट में आपका कंपनी रजिस्टर करिए, आपका डिटेल्स रजिस्टर करिए, ताकि पोलैंड में जब वहाँ का इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई भी की पर्सन ऑफ ए कंपनी
या ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर्स कोई भी है, इन वेबसाइट को जाके सर्च करता है और अपना सर्विसेज प्रोडक्ट के लिए। फिर अगर वो कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, एग्जांपल पोलैंड में कोई कंपनी इंडिविजुअल बिल्डिंग मटेरियल्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, फिर वो इस साइट में जाते हैं, इन साइट में जाके सर्च करते हैं, उनको अगर आपका कंपनी दिखाई देता है फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर देंगे। ये एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका है, काफ़ी सारे बिजनेस डायरेक्टरीज आपको मैं बता दिया। बिजनेस डायरेक्टरी का मतलब होता है, जैसा कि हमारा इंडिया में बिजनेस येलो पेजेस होता है, ऐसा येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज में बता दिया, वेबसाइट में काफ़ी सारे दिखा दिया। इस साइट में काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ पोलैंड का पोलिश कंपनीज लिस्टेड है, उनका वेबसाइट है, उनका ईमेल आईडीज है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, की पर्सन का नेम है। आप वन बाय वन सर्च करिए, अगर आप एक गारमेंट एक्सपोर्टर हो या बिल्डिंग मटेरियल एक्सपोर्टर है या कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद तो आपको काफ़ी सारे पोलिश कंपनी दिखाई देगा, आप वन बाय वन उनका ईमेल आईडी लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद उनको ईमेल के जरिए उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ताकि आगे का ऑर्डर आपको मिले। और हमेशा एक्सपोर्टर जिसको आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमेशा उनका टच में रहिए। अगर वो आपको बताता कि फिलहाल हम ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी कोई एक्सपोर्टर है, फिर आप भी मना करिए। आप कुछ आप बताइए, ठीक है सर कि आगे का ऑर्डर हमें दीजिए, हम आपको जितने सारे ऑर्डर हम आप फुलफिल करेंगे, ऐसा बता दीजिए। हमेशा उनको जैसे कि न्यू ईयर क्रिसमस में उनको विश करिए, उनको हमेशा ग्रीटिंग्स भेजिए, उनका टच में रहिए। क्योंकि अगर आप उनके साथ टच में रहोगे, एक ना दिन वो आपको, एक दिन में कोई भी दिन आएगा जो आपको वो आपको रिमेम्बर करेगा, आपको याद करेगा, फिर आपको 100% आपको ऑर्डर देगा। ये एक तरीका हो गया। इसलिए मैंने काफ़ी सारे जो दिखा दिया, येलो पेजेस और इंग्लिश न्यूज़पेपर और B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ पोलैंड, जो आपको मदद करेगा पोलैंड से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। और बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मैंने ऐड कर चुका हूँ इस साइट में। आपने इस इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ी है पोलैंड के बारे में, पोलैंड का क्या क्या इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, क्या क्या कंपनी इंपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे टेंडर के बारे में आपको मालूम पड़ेगा, बिजनेस के बारे में मालूम पड़ेगा। और अगर आपके पास कभी समय रहता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ऑफ पोलैंड आप पढ़िए ऑनलाइन में, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा है, आप पोलैंड में वार्सो में काफ़ी सारे होता है एक्सपो होता है, आपके पास अगर बजट है आप पोलैंड वार्सो ट्रैवल करिए और वहाँ का जो एग्जीबिशन में एक्सपो में जोक दीजिए एज ए पार्टिसिपेट या एक विजिटर। अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप वहां जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके। अगर आप वहां स्टॉल लेके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं, आपको काफ़ी सारे बायर मिल जाएंगे वहां पर, इम्पोर्टर्स मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं एज ए विजिटर, एक बार पोलैंड जाके वार्सो में और काफ़ी सारे उनका दूसरा सिटीज में एक्सपो होता रहता है, आप विजिट करिए और देखिए क्या होता है, सिचुएशन कैसा है, कौन कौन बायर्स आते हैं, कौन कौन इंपोर्टर्स बायर्स और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आते हैं एग्जीबिशन में। आप काफ़ी सारे लोगों को मिल सकते हैं, और अगर आप एक पार्टिसिपेंट रहते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए जितने सारे कंट्री आप विजिट करोगे फॉर एक्सपो और एक्सपो में भाग लोगे, आपको उतने सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलते जाएगा, ठीक है। और पोलैंड में जैसे आपको बता दिया, अगर आपका खुद का कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको खुद का कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करिए, ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर करने के बाद वेयर हाउस लीजिए और उसका वहाँ पर शोरूम लेके इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके आप पोलैंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पोलैंड का जो नेबरिंग कंट्रीज है, जर्मनी है, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, काफ़ी सारे जो उनका जो नेबरिंग कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पोलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पोलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं, फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कंपनी ट्यूब्रोज कॉरपोरेशन आपको मदद करेगा हाउ टू रजिस्टर ए कंपनी इन पोलैंड। पोलैंड में कैसा आप कंपनी रजिस्टर करोगे, पोलैंड में कैसा बिजनेस स्टार्ट करोगे, पोलैंड में कैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, काफ़ी सारे, और पोलैंड में कैसा एक्सपो में भाग लेंगे, हम आपको मदद करेंगे हाउ टू डू बिजनेस इन पोलैंड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। और पोलैंड में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है, आप इंडियन एम्बेसी सर्च करिए इन गूगल, इंडियन एम्बेसीज इन पोलैंड, और पोलैंड में इंडियन एम्बेसी को आप कॉन्टैक्ट करिए थ्रू ईमेल कि पोलैंड का
ट्रेडिंग कंपनीज या पोलैंड का एक्सपोर्टर इंपोर्टर या पोलैंड का कंपनी डाटाबेस आपको चाहिए, इंडियन एम्बेसी जो हमारा भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, आप हमेशा एक्सपोर्टर को मदद करता है फिर एक्सपोर्ट, इसलिए इंडियन एम्बेसी आपको डाटाबेस ईमेल डाटाबेस आपको भेज देगा, फिर आप ईमेल के जरिए कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। और अगर आप पोलैंड कभी ट्रैवल करते हो, इनकेस इंडियन एम्बेसी आपको रिप्लाई नहीं करता है, फिर अगर आप पोलैंड आप ट्रैवल करते हो जरूर आप इंडियन एम्बेसी विजिट करिए, इंडियन एम्बेसी में आप जाके मांगिए कि आप एक्सपोर्टर हो और आपको डाटाबेस चाहिए, ईमेल डाटाबेस, कंपनी डाटाबेस, पोलैंड एम्बेसी इंडियन एम्बेसी आपको जरूर देगा, क्योंकि हमेशा इंडियन एम्बेसी के पास कंपनी डाटाबेस रहता है उस कंट्री का, फिर उस ईमेल आईडीज के जरिए कंपनी का डाटाबेस के जरिए आप इंडिया आके कंपनी को लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। और अगर आपके पास बजट है पोलैंड आप जरूर जाइए, वार्सो और बहुत सारे उनका बड़े बड़े सिटीज है, वहाँ जाके आप वॉकिंग कोई भी ग्रोसरीज आप हाइपर मार्केट सुपर मार्केट्स कंपनीज ट्रेडिंग कंपनीज आप जाके उनको कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका जो बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करिए, आपका प्रोफाइल दिखाइए, आपका प्रोडक्ट का सैंपल दिखाइए, आपको कहीं ना कहीं 101% ऑर्डर मिल जाएगा इफ यू विजिट टू पोलैंड, ठीक है। काफी सारा तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पोलैंड के बारे में आप जरूर हमें कमेंट में लिखिए, फिर हम आगे पोलैंड के बारे में और सारे काफी सारे वीडियो बनाएंगे। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ असिस्टेंस चाहिए आप हमें जरूर लिखिए, तो हम आपको जरूर मदद करेंगे। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपका फ्रेंड्स के साथ हमारा वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे वाली जो वीडियो है का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूं। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं, आगे का वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।